इट्स माई लास्ट डे एट ऑफिस, देखो वाइट है ना, मतलब इतना स्पेशल ओकेजन है और मैंने सोचा कि एक लास्ट टाइम मैं ऑफिस जा ही रहा हूं तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने अपने 2.5 साल किधर बिताए हैं। तो चलो आई टेक यू टू माई ऑफिस टुडे। Last day. So this is the office. नितिन भैया। नितिन भैया को हिस्ट्री टीवी ये सब देखना बहुत पसंद है। फिश बम, यस, चलो आई टेक यू इनसाइड। This is where we have our meals and moving on। ये देखो, नया हो, रेट्रो हो या हो इंटरनेशनल, बहुत सारे पोस्टर्स मिलेंगे आपको हमारे ऑफिस में। यहाँ देखो, दिस इज वेयर एड लिखने वाले पीपल सेट, दिस इज वेयर सेल्स पीपल सेट, एंड दैट इज माई प्लेस। आज लास्ट शो के लिए तैयार। These are the events that I've been to। कुछ होस्ट किए हैं, कुछ देखने के लिए गए हैं। And this is our show का PPT का प्रिंट आउट जो मैंने यूज किया था while pitching my show। तो नाम लिखा हुआ भाई, किसी और का डस्ट नहीं है, अपना ही है, ठीक है। चलो मैं तो आपको बाकी जगह दिखाता हूँ। काफी ज्यादा पोस्टर्स 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 और भी सारा पोस्टर्स पोस्टर्स। और ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स होती है। यहाँ पे माधुरी दीक्षित, आलिया, बहुत सारे पोस्टर्स पोस्टर्स पोस्टर्स। जस्टिन बीबर बाय बाय टाटा, लगान वाले भाई साहब सब टाटा। ड्रेक विल सी यू। पूरा कैलेंडर। नाउ आई विल टेक यू टू द स्टूडियोस। एंड दिस इज द ऑन एयर स्टूडियो। And that's my space जहाँ से हम बकवास करते हैं। I will definitely miss my mic, लेकिन every good thing has to come to an end। लास्ट शो ऑफ अब तक सिंगल मेरे साथ यानी कि विवेक के साथ चल रहा है ऑन फीवर 104 FM। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस कांस्टेंट रहा है, कोई लाइफ में कांस्टेंट कहलाने वाली तो कभी आई नहीं है। और हम तो अपने आप को दिलासा देते ही आ रहे हैं कि हैप्पीली सिंगल ही सही, लेकिन फिलहाल मेरे जाने का समय हो गया है। स्टे ट्यून्ड टू फीवर 104 FM। मैं हूँ रेडियो का सबसे सिंगल आरजे, मेरा नाम है विवेक। अब तक सिंगल के लास्ट शो होने के बाद इट वॉज टाइम फॉर मी टू पैक अप। इट्स टाइम टू रैप अप। देखिए, अरे पानी का बोतल इधर, क्या बात है। इस बॉक्स में सब कुछ डालेंगे। चॉकलेट्स मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है, लेकिन लेट्स कीप इट। शायद ठीक ठाक हो तो खा लेंगे, नहीं होगे तो फेंक देंगे। ये है चोरी का माल। टाको बेल का हॉट सॉस, टाको बेल का और हॉट सॉस और हॉट सॉस, कुछ केचप लंच वगैरह के टाइम में काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसा जज नहीं करने का समझिए, लेकिन अभी फिलहाल इसको फेंकना पड़ेगा बिकॉज बाबा टाको बेल। ये है खाली डब्बा, तो खाली डब्बे में से गंदगी निकाल के What else do we have? We have some coffee. अब ये कॉफी किस फॉर्म में है वो नहीं पता, लेकिन it's an amazing coffee that I know of. So इसको भी रख लेते हैं। So we have फोन का कवर इधर कैसे है भाई? भाई कुछ भी इधर रख सकते हैं हम तो भाई, बाकी तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीजें तो है नहीं। चम्मच है, क्या करता रहता है यार। Moving on to the last drawer. अरे रे रे, इसमें तो पूरा गंद भरा लिया है। ये सब तो सबका सब नीचे जाएगा डस्टबिन में। थी मेरी शायद फर्स्ट एवर डायरी। देखो, किसी ने मेरे नाम के आगे गधा और नीचे मेंटल असाइलम लिख दिया एड्रेस में। फाइनली सारे ड्रॉज हो गए, अब टाइम टू रैप अप दिस। ये देख रहे हो कितनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, उनको निकाल के दिखाता हूँ। आधी तो प्रिंट भी नहीं की थी जो है, ये सारी की सारी अब जाएंगी यहाँ, क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट्स भाई साहब कुछ ज़्यादा क्रिएटिव थे क्या, पता नहीं। क्रिएटिविटी का तो नहीं पता, लेकिन लिखा तो काफ़ी ज़्यादा था। बताओ एक से एक। ये देखो, ये मेरी नोटबुक जिसमें लिखा था छुई मुई टच मी नॉट। चलो इसको अंदर रख लेते हैं। अरे बाप रे, क्या क्या भर के रखेला है अपन इसमें। क्योंकि ये कल क्लियर हो जाएंगे, बाकी टाइम टू मूव ऑल दी स्टफ। What did you find? Bye, desk. I will miss you.